हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है शनिवार और समय हो रहा है लगभग 5:30, 5:30 बजे। कल भी मैंने ब्लॉग बनाया था, शुक्रवार को भी और शनिवार को भी। ये गले में चाबी, जब मुझे वो बाबू होने वाला था तो मेरी सासू माँ ने कहा था कि लोहा गला में काला धागा में पहनना चाहिए, तो आप लोगों से किसी ने शायद पूछा था, तो बस यही लोहा पहनती हूँ। अभी मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहनती हूँ, एक लोहा होना चाहिए। और वैसे भी चूँकि सास के लिए सारा चीज़ किया है तो एक लोहा हमेशा पास में होना चाहिए। तो अभी वो काम करके तो चली गई थी दोपहर में ही। और आज मेरा तबीयत अभी ठीक लग रहा है। सुबह मैंने खाना बनाया था, आलू सहजन की सब्ज़ी और चावल। बनाते बनाते तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ाया तो मैं सो गई। इनको कहा कि आप चावल डाल दीजिए, इन्होंने चावल डाल के और अच्छे से चावल को बना लिया था। सब्जी चावल ये खा के चले गए थे, मैंने अभी खाया है। और कल दाल की पूड़ी बनाई थी तो वो भी था, एक दो वो भी खाया था। बाकी दाल की पूड़ी मैंने सब करीना को दे दिया, करीना नाम है उनका, जो मेरी हाउस हेल्पर है। तो मैं बैठे बैठे बाबू के किताब कॉपी में कवर लगा रही थी, तो ये रफ कॉपी है, ये सेंट केरन में देखती हूँ, ये इस तरह से, ये इंग्लिश राइटिंग बुक है, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो ये सब तो ये लिखना जानता है, लेकिन जब कुछ नया चीज़ आता है जिसमें थोड़ा सा तो मेहनत करना होता है। ये इंग्लिश राइटिंग बुक है, ये रफ कॉपी है इसका, और ये हिंदी राइटिंग बुक है इस तरह से। ये सब तो उसने किया है, लेकिन UKG में तो ठीक है, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ, इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और अभी तो लंबा चलेगा, मेरे साथ परेशानी होगी अगर ये 1 में जाता, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल बारीकी से पढ़ाना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से पढ़ाना पड़ता है। जितना आसान है सुनना UKG LKG 1, वो तो आप लोग सब जानते ही हैं, आप लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो कुछ बुक में मैंने लगाया है, एक राउंड में मैं नहीं लगा पाती हूँ, 2-3 में लगाती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, 2-3 में लगाती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, नहीं हो पाता है। तो अभी इतना में मैंने लगा के सब में स्टिकर चिपका दिया है। इतना अभी बुक और भी बचा हुआ है बाबू का कवर करने के लिए। मैथमेटिक्स है, राइम्स है, इंग्लिश रीडर है, ये ड्राइंग का है, ये सब इतना बचा हुआ है। तो वो एक कागज़ का कवर आता है, वो मिला नहीं, तो यही वाला है। तो ये इसमें थोड़ा समय भी लगता है और स्टेपलर की भी आवश्यकता होती है। तो मैंने कहा था ये हाथ में बिल्कुल खाली लग रहा है। जो लाख की चूड़ियाँ हैं मैंने उसी दिन पहनी थी जिस दिन 12वां दिन हुआ था माँ का, तो अब मैं इसको चेंज कर लूँगी, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी ऑरेंज, पीला, नीला, जो भी साड़ियाँ वगैरह भी, क्योंकि मैं बड़ी बहू थी तो मेरे हस्बैंड ने सब कुछ किया था, तो मेरा अधिक से अधिक रस्म था। तो पीला ही साड़ी दिया जाता है कई रस्मों में, तो वो सब तो मुझे पहनने का मन भी नहीं करता है, लेकिन वो साड़ियाँ कोई लेती भी नहीं है। वहाँ पे मैं ससुराल में जो काम करने वाली थी, उन्होंने मुझसे कहा भाभी मुझे एक साड़ी दीजिएगा। मैंने सोचा 3-4 साड़ी पीला मिला तो बहुत साड़ी कई लोग देते हैं, लेकिन मैंने सब अपने ससुर को दे दिया। मैं कहाँ ढोती साड़ी, और मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। उन सब साड़ी में यादें रहती है, क्योंकि मेरे साथ बूढ़ी होकर इस तरह गई नहीं है। बहुत पहले मुझे बहुत कुछ करना पड़ गया, हाथ थोड़ा सा सूज गया है, हाथ वगैरह सूजन आ गया है, तो मैंने वहाँ पर से सभी साड़ियाँ छोड़ दी। जब मैंने वहाँ रूबी को वो साड़ी देना सोचा देने, लेकिन बोले नहीं भाभी ये साड़ी आपका कोई नहीं लेगा, ये आपको ही पहनना पड़ेगा, जबकि साड़ी बहुत अच्छी है, कॉटन है। तो सब जगह का अपना अलग अलग नियम होता है। तो ये साखा कल मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये पहुंच गया है साखा। अब मुझे दिक्कत ये बुझाता है, मैंने खोल के भी इसको देखा है, अब मुझे ये परेशानी रखती है कि ये मुझे देख के ही लगता है कि ये साइज़ जो है छोटा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये इस तरह से पैक जो दिखाया गया था वही दिया गया है, ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको कट करके देखती हूँ, अगर छोटा भी हो जाएगा तो ये ज़्यादा कॉस्टली है नहीं। दुकान में जाती हूँ जब मैं लेने, तो ओरिजिनल साखा 700 में, मैंने भागलपुर में एक बार लिया था, ओरिजिनल साखा 700 में दिया था, पटना में एक बार लिया था तो उन्होंने 450 में दिया था, और वो कह दिए थे वो कि ओरिजिनल है, अभी मैं जान के कम दाम में दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी बहुत दिन तक चला था। अभी ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है पता नहीं, लेकिन ये मुझे 209 रुपये में चारों चीज़ मिल गया है, चारों यानी दो पोला
और ये शाखा, शाखा तो संघ का होता है और ये तो प्लास्टिक का है, उसमें लिखा भी है, तो मुझे लगता है कि छोटा हो जाएगा, मैं पहन के देखती हूँ। अब ये ओरिजिनल है या प्लास्टिक है मुझे ये नहीं पता क्या है, लेकिन अब मैं इसको लौटाऊंगी नहीं क्योंकि हाथ अच्छा नहीं लगता है। और संघ का ये शाखा होता है, लेकिन ये किस चीज़ का है मुझे अभी भी संदेह है। डिजाइन वगैरह तो बिल्कुल ओरिजिनल वाला है, तो ये सही आया है शाखा मेरे हाथ में, सही आया। मैंने 2-4 ही ऑर्डर किया था और इसी के साथ, चूँकि ऑर्डर जब कर रही थी ये जो पोला है इसी के ऊपर रखा हुआ, तो ये साथ में आ गया, अट गया। ज़्यादा छोटा नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, ज़्यादा छोटा भी नहीं हुआ है। तो मैं इसको वापस करूँगी नहीं क्योंकि इजीली है, इसका रिटर्न आप कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगी नहीं। और हाथ अच्छा भी नहीं लग रहा था बिना शाखा पुलाव के, तो इसको अब मैं पहन ही लेती हूँ। और अभी बस सुबह का तो खाना बन गया था, किचन का सारा काम हो गया है। एक बार उठ के गई तो दूध दही जमने को दे दिया, और अब एक बार किसी तरह रोटी बना लूँगी फिर बैठूँगी, फिर एक बार किसी तरह आलू परवल का सोचती हूँ आज भुजिया ही बना लूँ, क्योंकि कल थोड़ा हैवी बनाया था, सुबह भी मसाला वाला सब्जी भुजिया वो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि जब से आए हूँ इस तरह मैंने ये दोनों पहन लिया, अब जब इसको खोल दिया है तब मैं इसको पहनूँगी नहीं। इसमें कुछ हुआ नहीं है लेकिन अब मुझे ये पहनने का मन नहीं करता है। तो बेटा तुलसी पिंडा के बगल में ये लैठी है, लाओ तो उठा के झुमो। कुछ लहठी मैंने, ये देखिए मैंने कुछ लहठी कुछ दिन पहले ही उतार दिया था, 4 हाथ में रखा था, ये भी मैंने उतार दिया है, अब इसको नहीं पहनूंगी। और बिल्कुल लाख की है, लाख की लहठी इसी तरह निकलती है, निकल जाती है। और तो डियर आप लोग हैं कैसे, आप लोगों में से कई लोग जो हैं मुझसे लगातार संतोषी माता के व्रत के बारे में पूछते हैं, तो मैं कमेंट करके जवाब देती हूँ आप लोगों को, लेकिन वो जवाब संतोषजनक नहीं होता है क्योंकि आप लोगों के सवाल बहुत सारे होते हैं। और मैंने बहुत नज़दीक से इस व्रत को किया है, देखा है, उद्यापन किया है, उद्यापन का तो डाला है, ये देखिए अच्छी लहठी थी, उद्यापन का भी मैंने डाला है सब कुछ। तो मैं बनाऊंगी बहुत जल्द उस पर एक वीडियो, क्योंकि मैंने किया है, जो किया है मेरे से गलतियाँ भी हुई है, इसीलिए माँ ने मुझे बताया था, यानी कि मेरी सासू माँ ने, तो गलतियाँ इस व्रत में नहीं होनी चाहिए, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी और उस पर डिटेल बताऊंगी। आज तो मैंने कोई काम का दिखाया नहीं क्योंकि वही है काम का, किचन में किसी तरह एक बार चलाती थी फिर सोती थी, फिर चलाती थी फिर सोती थी, सुबह उठिए लस्सी बनाइए, खाना में लगिए, नाश्ते में करिए, झाड़ू पोछा तो अभी मैं कर नहीं रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन थोड़ा मोड़ा कर लेती हूँ। और आज तो मैंने कंघी भी नहीं की है, किसी तरह से मतलब मेरा दिन कट रहा है। डर भी मन में बहुत ज़्यादा है, बहुत डरी हुई मैं बहुत डर जाती हूँ, उसके समय में भी मैं बहुत डर गई थी, मुझे एक इंजेक्शन से भी डर लगता है। और कपड़ा जो भी है, तो मैं जब आई हूँ तो मैंने VIP नहीं खोला है क्योंकि 3-4 साड़ियाँ उसमें इस तरह से है, एक दो साड़ियाँ है कि वो देखने का मन नहीं करता है मुझे, आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ रहे होंगे। लेकिन कुछ साड़ी, एक दो तांत भी है जो कि ननद दी है, तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उसी में दी है तो मुझे वो भी लगता है अजीब लगता है इसीलिए। लेकिन पहले का जो भी है, मन कभी कभी मन करता है, जब औरत क्या होती है, जब औरत को मन नहीं लगे तो वो अपना गोदरेज अगर खोल ले और समेटने लगे सारा चीज़, ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये पेटीकोट, तो उसको मन लगने लगता है। और उस औरत को तो और ज़्यादा मन लगता है जिसको सिलाई करना आता है। मुझे तो सिलाई करना आता है, बिनाई करना आता है, मैंने 2-2 स्वेटर बनाया मैके में, एक ग्रीन और वाइट, एक ग्रीन और रेड हाफ स्वेटर मैंने बाबू का बनाया, 2 नहीं बल्कि 3-4 स्वेटर बनाया, सब ऊन लेकर मैं गई थी, जितना ऊन लिया था शायद आप लोगों को नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने तो वीडियो ही बनाना बंद कर दिया था। और बहन के बेटा का मैंने ट्राउज़र पूरा, ये बेल बटन वाला स्वेटर, टोपी, मोजा, बहुत कुछ बनाया वहाँ बैठे बैठे, लेकिन जब ये इस तरह से हो गया तो अभी बिनना भी मैंने छोड़ दिया है। मन करता है कभी कभी कि ऊँचे पर बैठ के बस 5-5 मिनट, चूँकि इलेक्ट्रिक मशीन है, पैर से दबाकर कुछ कुछ सिलाई करूँ जब तबीयत ठीक लगे तो। और खाना तो सुबह से हम किसी तरह बन ही जाता है, तो सोचती हूँ तो जो भी करूँगी डियर आप लोगों के साथ शेयर, ताकि मेरा मन लगा रहे। मम्मी तो अभी नहीं आएगी, मेरे भाई का, चचेरे भाई का, जिसको कि कहने का सिर्फ है चचेरा भाई, लेकिन अपने तरह मैं अपना भाई की तरह
मैंने हम लोगों ने उसको पाला था, दो बहन थे हम लोग, भाई मेरा मेरे से 12 साल छोटा है। तो अभी मेरा भाई जो है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में है, और बिहार दिवस के दिन जो है उसने बांसुरी बजाया था और उसको बहुत बड़े स्तर पर स्टेज मिला था, नाम रोशन हुआ हम लोगों का किया, उसने न्यूज में आया था। इकलौता भाई है मेरे से 12 साल छोटा है, बहुत ओबीडियंट है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता है। कभी मौका लगेगा तो आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, किसी भी सॉन्ग पे उसको गाने से बहुत लगाव है। अभी तो पार्ट टू में पढ़ रहा है तो उससे भी ज़्यादा हम प्यार उसको करते थे हम लोग। लेकिन उसकी शादी है, 24 अप्रैल को एंगेजमेंट है, शादी का डेट आएगा, मेरा तो जाना संभव है नहीं। हम लोगों में एक लावा भूजने का रस्म होता है तो मैं ही भूजती लावा, लेकिन एक साल तक मैं कुछ करूँगी नहीं, पूजा पाठ या कोई अच्छा रस्म कुछ भी नहीं करूँगी एक साल तक तो। और जाना भी अभी संभव नहीं है, मेरी ये स्थिति है। तो मम्मी को मैंने कहा 24 अप्रैल को हो जाएगा उसका एंगेजमेंट, फिर मम्मी आना, शुरू मई में आना, बीच में मैं आना, तो मम्मी तो अभी आएगी नहीं। मैं हर दिन अपना संघर्ष से काट रही हूँ, हर एक दिन मेरा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों के साथ आगे बढ़ रही हूँ। आप लोग अपनी दुआ मेरे साथ बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आज तो सिर्फ आप लोगों से बात की और मेन पर्पस ये शाखा पुलाव दिखाने का था, अच्छा ही लग रहा है हाथ में। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ओरिजिनल 200 रुपया में दिया तब तो अच्छी बात है, दुकान वाला ज़्यादा लेता है, जबकि मैंने वहाँ पर ओरिजिनल डाला हुआ है तो यही आया है। तो चलिए डियर, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।